सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ दुर्गा की जय। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से दूसरा रूप श्री ब्रह्मचारिणी का है। श्री ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, जो तप का आचरण करती हैं। श्री ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। माँ के दाहिने हाथ में जपकी माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी थी, तब देवऋषि नारद के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप को करने के कारण ही माँ को तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी माँ भी कहते हैं। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए खुले आसमान के नीचे वर्षा धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना बंद कर दिया। हजारों वर्षों तक निर्जल निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। हजारों वर्षों की इस तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का जो देवी का पूर्ण रूप का शरीर था, वो एकदम क्षीण हो गया। वो बहुत दुर्बल हो गई। माँ की इस तपस्या से देवता ऋषिगण मुनिगण सभी की तपस्या को अभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा माँ को संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, आज तक किसी ने ऐसी घोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को विरक्त कर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देता है। माता की उपासना से मनुष्यों में तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह के जो भी दोष कुंडली में होते हैं समाप्त हो जाते हैं। माँ को मिश्री शंकर पंचामृत का भोग अत्यंत प्रिय है। गुलदामती के फूल माँ को अर्पण करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। बोलो ब्रह्मचारिणी माँ की जय। तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह के जो भी दोष कुंडली में होते हैं समाप्त हो जाते हैं। माँ को मिश्री शंकर पंचामृत का भोग अत्यंत प्रिय है। गुलदामती के फूल माँ को अर्पण करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। बोलो ब्रह्मचारिणी माँ की जय।